Enemy down. हेलो गाइस, आप सबको वेलकम है एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और भाई इस वाले गेम प्ले के अंदर तो बहुत ज्यादा तबाही तो होने वाली है, क्योंकि यार इस वाले गेम प्ले के अंदर अपने 16 प्लस किल्स हो जाते हैं, तो भाई तबाही तो बहुत ज्यादा होने वाली है। और मैं तुम्हें सबसे पहले ही बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें पबजी मोबाइल ऐप के जो नया अपडेट बीटा के अंदर आने वाला या फिर आ चुका है उसकी जो डाउनलोड करने की जो लिंक होगी वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला, लेकिन उसके बारे में बात जरूर करने वाला है कब तक आएगा एंड वगैरह वगैरह कुछ भी जो भी हो, तो भाई वीडियो पूरा आने तक जरूर देखना। अब इस वाले गेम प्ले के अंदर हम लोग उतरने वाले थे नए आइसलैंड पे और यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे आते हैं। तो भाई यहाँ पे पहले तो गन उठाते हैं और फिर बंदों को निपटाते हैं। अब यहाँ पर मैंने भैया जी को नॉक किया था और यहाँ पर पता नहीं मेरा बंदा क्या कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पर जो मेरे टीममेट थे वो फिनिश भी कर देते हैं इस भैया जी को। और यहाँ पर आगे भी कुछ बंदे हैं, और यहाँ पर ये वाला भैया जो था वो मेरे मुंह पे मतलब मेरे टीममेट ने किल चुरा लिया वैसे कह सकते हैं, लेकिन कोई ना। और यहाँ पर ये भी बंदा नॉक ही होता है, और यहाँ पर मैंने तीन बंदों को नॉक किया था मतलब कि वो फिनिश हो चुके थे वैसे तो, मतलब कि यार उनमें से दो बंदे तो फिनिश हो चुके थे लेकिन तीसरा बंदा बचा था जिसको मेरा टीममेट फिनिश कर देगा। और अब उनका बचा था लास्ट बंदा और जो कि यहाँ से निकलने की पूरी तरह से प्लानिंग करके बैठा था, मतलब कि यहाँ से प्लानिंग करके जा रहा था पानी में तैरता हुआ, तो भाई देखना उसको कैसे पकड़ते हैं। और यहाँ पर इसको भी पेल देते हैं। अब पहले तो यहाँ पर मुझे ये लगा कि ये बोट है, लेकिन ये बोट बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि तुमने यहाँ पर नोटिस करा होगा कि बोट ऐसे पानी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी मूव नहीं करते, और ये मतलब कि रियल बंदा ही था। अब मुझे यहाँ पर ये लगा कि मेरे जो टीममेट है वो बहुत ज्यादा लूटेंगे पीछे आइसलैंड पे, क्योंकि यार वहाँ पर काफी ज्यादा लूट होते हैं, वो भी तुम्हें भी पता है। वैसे वहाँ पर ज्यादा एरिया नहीं है लेकिन लूट है तो वो काफी ज्यादा होती है, तो वो आराम से लूटेंगे और मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ आगे रेंज में मुझे व्हीकल भी मिल जाएगी और यार उस व्हीकल को लेकर मैं सीधा बंदे पे पुश कर दूंगा, क्योंकि अभी भी ड्रॉप भी आया था, तो यहाँ पर मैं सीधा ड्रॉप पे चला जाऊंगा और वहाँ पर बंदे तो होंगे ही होंगे और वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा किल मिल जाएंगे। और पहले तो यहाँ पे बैठ जाते हैं व्हीकल में और फिर बात करते हैं पबजी मोबाइल लाइट के नए अपडेट के बारे में, जो कि पहले तो बीटा में आएगा, मतलब कि जो भी अपडेट आएगा वो सीधा ग्लोबल वर्जन में बिल्कुल नहीं आएगा, वो पहले बीटा में आएगा एंड फिर आएगा ग्लोबल वर्जन के अंदर। और अभी तुमने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी, मतलब कि यूट्यूब पे एक चीज नोटिस करी होगी, एक लीक या फिर एक गेम प्ले मतलब छोटा सा वायरल हुआ है जो कि सिंह डेल्टा का है एंड उसके अंदर दिखाया गया कि वहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मतलब कि उतना ही गेम प्ले हर कोई यूट्यूबर दिखा रहा है, मतलब कि तुम्हारे पास इससे ज्यादा गेम प्ले नहीं क्या? मतलब कि सारे का सारे क्रिएटर होता है वो उसी गेम प्ले पे अपने बकवास कमेंट कर रहे हैं, बकवास नहीं मतलब कि उनको सही लगता है लेकिन ऑडियंस को तो बकवास ही लगती है, क्योंकि गेम प्ले तो वही है, मतलब कि किसी के पास दूसरा कोई गेम प्ले नहीं है, सिर्फ वही गेम प्ले है और भाई इस पे सारे के सारे कमेंट कर रहे हैं। और साथ ही उनका जो वीडियो होगा ना, उनका जो टाइटल होगा वो तुम नोटिस करना या फिर उसका जो थंबनेल होगा उस पे भी नोटिस करना, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ पबजी मोबाइल लाइट न्यू अपडेट डाउनलोड लिंक। को डाउनलोड करने की लिंक नहीं है लेकिन यार थंबनेल और टाइटल में तो ये लिखा हुआ था कि पबजी मोबाइल लाइट न्यू अपडेट डाउनलोड लिंक, तो मैंने सोचा चलो यार मैं भी क्लिक बिट मार लेता हूं, वैसे उनके तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है और हमारे तो वैसे भी कम है। तो अभी तक तो पबजी मोबाइल लाइट का जो बीटा वर्जन है उसका जो नया अपडेट है वो बिल्कुल ही नहीं आया, आने वाला जरूर है लेकिन अभी तक आया बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन जैसे आ जाएगा ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें वीडियो बना के बताऊंगा एंड तुम्हें डाउनलोड करने की लिंक भी दे दूंगा, तो यार उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अब मैं जैसे आता ड्रॉप है तो यहाँ पे मुझे बंदे होते वो ओपन में शो जाते हैं एंड अब तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलने वाले सलमा भाई वाली ड्राइविंग, मतलब कि खतरनाक ड्राइविंग देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक बंदे को तो मैंने यहाँ पे पीट दिया, मतलब कि पीटा नहीं है मतलब कि लुटका दिया उस बंदे को मैंने, और यहाँ पर दूसरे बंदे को भी देखना तुम। और तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई इस इनके लिए तो एक लाइक करना बनता है, या फिर मैंने दोनों बंदों को व्हीकल से उड़ाया तो भाई इसके लिए तो एक लाइक करना बनता है। और यहाँ पर जो उनके दूसरे टीममेट थे वो यहाँ पर नहीं थे, मतलब कि एक बंदा था जो कि स्टेडियम में था उसको भी निपटाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर जो भैया जी जो नॉक पड़े इनको यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे मुझे मिल जाने वाले AWM जो कि मैं बिल्कुल यूज करने वाला हूँ इस मैच के अंदर। अब मैं जैसे यहाँ पर आ जाता हूँ पत्थर के बाद और यहाँ पे मुझे खतरनाक स्प्रे आता है, और सच बताऊँ तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर भी पेटी बन गई, क्योंकि एक बंदा है वो स्टेडियम की तरफ है और एक भैया जी है जो कि पीछे की तरफ जो रेड बिल्डिंग है उसमें है, लेकिन यहाँ पर जो पीछे की तरफ जो रेड बिल्डिंग होता है वो तो बोर्ड भैया जी होता है और सामने की तरफ जो स्टेडियम की तरफ होता है वो रियल बंदा होता है। तो अब देखो कैसे निपटाते इसको। और यहाँ पर तीसरे शॉट में ही बंदा डाउन हो जाता है एंड यहाँ पे पहले बोर्ड बैजी को भी निपटा देते हैं।
एंड यहाँ पर इन रेजी को भी मतलब फिनिश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो टीममेट होता है वो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होता, तो यहाँ पर इनको भी निपटा देते हैं। मेन बंदों की कैरेट को लूट के यहाँ से जाने वाला था और ढूंढने वाला था दूसरे बंदों को, क्योंकि यार मुझे यहाँ पे किल चाहिए थे। और तभी यहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि मेरे जो टीममेट है वो एक स्क्वाड से फाइट ले रहे हैं, और अब देखना यहाँ पर मैं क्या ही किल चोरी करने वाला मेरे टीममेट के। और यहाँ पर देख सकते हो मतलब कि यहाँ पर मैंने कैसे मारा इसको, मतलब कि यहाँ पर मेरे जो टीममेट था उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रखा था। और यहाँ पर फिर मिल जाने वाला है एक और अल्ट्रा प्रो प्लेयर, और अब आगे देखना यहाँ पर क्या स्कैम होने वाला है मेरे साथ। और यहाँ पर जो मेरे टीममेट होते हैं वो संभाल लेते हैं, वैसे तो ये प्लेयर होते हैं वो रैंडम होते हैं। और यहाँ पे मैं रिवाइव के लिए चिल्लाता हूँ कि हेल्प हेल्प, यहाँ पे मुझे हेल्प भी मिल जाती है। एंड यहाँ पर मैं जाता तो मैं इस सीन को कट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो तुम्हें दिखा भी देते हैं कि मैं कितना बड़ा नूब हूँ। लेकिन सच बताऊँ ना तो सामने वाले बंदे पर एयर गन भी होती ना, तो भी वो मुझे पेल ही देता कि यार तीनों के तीनों बंदे एक साथ मेरे पे चढ़ गए थे, तो यहाँ पर वो बंदे इजिली मुझे मार सकते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ नॉक किया, मुझे फिनिश नहीं किया, और यहाँ पर मेरे टीममेट थे उन्होंने मुझे बचा लिया। और तभी यहाँ पर उनका जो चौथा प्लेयर होता है वो यहाँ पर एंट्री लेता है बीआर डीएम लेके, तो यहाँ पर इसको भी निपटाते हैं। यहाँ पर इन बेजे को भी हम लोग निपटा देते हैं। एंड यहाँ पर मुझे आगे एक और बोट बेजे मिलने वाले, या फिर रियल बता पता नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको तो पेलने वाले एडब्लूम से। और मुझे यहाँ पर एडब्लूम से याद है कि यहाँ पर जो लास्ट वाला बंदा होता है ना उसको मैं एडब्लूम से मारूंगा, वो भी क्लोज रेंज में, मतलब कि क्लोज रेंज नहीं मिड रेंज में, और मतलब कि वो खतरनाक होता है, तो भाई वो भी देख के जाना, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा सीन था वो। अब हम यहाँ पर बंदों को ढूंढ रहे थे और यहाँ पर मुझे बंदे शो हो जाते हैं, तो यहाँ पर पहले तो इसको नॉक कर देते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा बंदा था उसको भी यहाँ पर मैं एक शॉट दे देता हूँ, लेकिन फिर भी ये बंदा होता कवर में नहीं जाता। एंड ये बंदा होता वो अपने टीममेट को रिवाइव भी करता रह जाता है। एंड यहाँ पर दूसरे शॉट में ये बंदा होता वो डाउन हो जाता है, और उनका जो थर्ड प्लेयर होता है वो भी इनके पास ही होता है, जो कि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन अब तुम्हें दिख जाएगा। और बूम, यहाँ पर तीनों के तीनों बंदे फिनिश हो जाते हैं, और अब बचा था लास्ट बंदा जो कि स्टेडियम के अंदर ही था। एंड अब देखना उसके बाद क्या स्कैम होने वाला है। और भाई इस सीन के लिए तो एक लाइक करना बनता है, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर लेना, अपने दोस्तों का शेयर कर लेना, और चैनल पे नए मतलब कि कहीं से आगे घूमते फिरते तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और हम सब फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो या फिर गेम प्ले में। बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only